प्रिय साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा ओलंपियाड एग्जाम 2022-23 का जो प्रथम चरण का परीक्षा था, प्राथमिक स्तर के बच्चे 5वीं और 8वीं के बच्चों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर जो है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस आदेश निर्देश में क्या है। भोपाल दिनांक 14/2/23, प्रति जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले मध्य प्रदेश, विषय ओलंपियाड सत्र 2022-23 जिला स्तरीय प्रतियोगिता के संबंध में। उपयुक्त संदर्भित विषय में लेख है ओलंपियाड सत्र 2022-23 अंतर्गत दिनांक 19 जनवरी 2023 को आयोजित जनशिक्षा केंद्र स्तरीय प्रतियोगिता में प्राथमिक स्तर कक्षा 2 से 3 एवं 4 से 5 का परिणाम दिनांक 13 फरवरी 2023 को घोषित किया गया है। जनशिक्षा केंद्र स्तर पर चयनित प्रतिभागियों के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 23-24 फरवरी 2023 को जिला मुख्यालय पर होना है। अतः जनशिक्षा केंद्र पर चयनित समस्त प्रतिभागियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता करने के लिए तिथि एवं समय की सूचना अनिवार्यता देना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पे जो है चयनित प्रतिभागियों की सूची है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत लंबी सूची है। यहाँ पे जो है 552 छात्र छात्राओं की सूची है और यह सूची जो है ओलंपियाड एग्जाम प्रथम चरण की जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, उस परीक्षा परिणाम में सफलतापूर्वक जो है चयनित प्रतिभागियों की ये सूची है। तो ये रहा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आप सभी जो है इस चयनित सूची को देख लें और जो भी छात्र आपके विद्यालय से इस सूची में चयनित हुए हैं, जिनका नाम शामिल किया गया है, उन बच्चों को, उन छात्रों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जो 23 और 24 फरवरी को आयोजित की जाएगी, उसमें सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ओलंपियाड एग्जाम 2022-23 से छात्रों को बताएं और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए उन्हें सुनिश्चित करें। तो यह रहा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और आप सभी जो है इसी तरह जो है सूची का अवलोकन कर लें। और जो भी प्राथमिक स्तर के बच्चे का चयन हो चुका है, जिले स्तर की परीक्षा के लिए उनकी तैयारी कराएं। ओके, तो यह रहा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। थैंक यू सो मच।